हेलो डिफेंस स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम पर। और आज हम बात करेंगे एनडी एग्जाम प्रिपरेशन स्टडी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ठीक है, ये वीडियो लास्ट तक देखना, जितने भी एनडी डिफेंस एस्पिरेंट रहेंगे तो ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लेना। एंड रेज योर वॉइस, रेज द वॉइसेस, वॉइस बार रेज कर लो, सुनो पूरा सही ढंग से। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, इस बार आप सभी को पता है कि एनडीए वन और एनडीए टू जो 2020 में होने वाला था, दोनों एक कंबाइन एग्जाम होने वाले हैं। वो कब होगा? सितंबर 6 को, एज यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग 6 सितंबर को होगा। एंड दिस एग्जाम आप लोगों के लिए क्या रहेगा, जिन्होंने वन में फॉर्म भरा हुआ है वो लोग ने तो भर लिया, आप जो टू वाला फॉर्म भरेंगे वो भी इसमें आप लोग डाल सकते हैं फॉर्म। तो ये रहेगा, इसका अलग डिपेंडेंसी ग्राफ है, इसमें जो वैकेंसीज हैं वो जस्ट डबल हो गई हैं। तो अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगी, यहाँ पर कॉम्पिटिशन डबल हो गया आपका, मोर थिंग्स यहाँ पे थोड़ा सा जिंक्स अप हो गई हैं कि आप सब लोग कह रहे हैं कि सर हाँ प्रॉब्लम करेगा, क्या पोस्ट कटेंगी पड़ेंगी, क्या जो लेवल रहेगा वो चेंज होगा, मे बी लेवल गेट इजियर और समथिंग लाइक दैट, जस्ट बिकॉज की प्रिपरेशन को लेके लेवल थोड़ा सा टफ हो सकता है मैं कह सकता हूँ। बट जहाँ पर बात आती है कि आप लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो चीज़ सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने फोकस किस पर करना है, मैथ्स जो सेक्शन रहता है, हमेशा उस पर फोकस करो कि यार 150 प्लस तो मैं लेके आऊँगा, मैं 150 प्लस कैसे ले आऊँ, साहब लॉकडाउन चल रहा है, किताबें कहाँ से खरीदूँ, अगर नहीं खरीदनी तो कहाँ से खरीदूँ, कौन सी ऑनलाइन अगर मंगानी तो कौन सी मंगानी। पहली चीज़, आप सभी अभी 11th और 12th पास करके आए हुए हैं, आप लोगों के पास मैथ्स की बुक्स रखी होंगी, गो फॉर दैट, गो फॉर द एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वहाँ पे एग्जांपल्स जो होते हैं ना वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जांपल्स चेक करो, 11th के 12th के एग्जांपल एनसीईआरटी के बुक्स वो लिखो अलग, उसमें उसकी लैंग्वेज जो है ना वो हल्की से घुमा देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं एनडीए के एग्जाम में, बस उतना करते हैं वो लोग और आप लोग समझ नहीं पाते। जस्ट उसी क्वेश्चन को दो बार करो, एक बार हो गया आप लोग सोचते हाँ मेरे दिमाग में बैठ गया, कंप्यूटर नहीं हो आप लोग तो एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार करो, आज एक बार कर दिया दो बार कर लो कोई दिक्कत नहीं, 10 क्वेश्चन करो 20 बार, यानी हर क्वेश्चन दो दो बार किए आप लोगों ने, कितने हो गए 10 क्वेश्चन कर लिए आपने आराम से, तो वो क्वेश्चन दिमाग के अंदर घुस जाने कम्प्लीटली। आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है, ये मान के चलिए आपके पास जुलाई का पूरा मंथ हो गया, अगस्त का मंथ है, 2 महीने यानी 60-70 डेज के आसपास आपके पास हैं। तो वहाँ पे आप लोगों ने फोकस क्या करना है कि यार मैं किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँ, मैथ्स जो सेक्शन, मैथ्स का सेक्शन जो है वो चार जो मेन पिलर्स हैं उन पर टिका रहता है, कैलकुलस हो गया, एलजेब्रा हो गया, तीसरा आपका ट्रिग हो गया और चौथा आपका आता है कोनिक सेक्शन प्लस 3D, जो आपका यानी कोनिक सेक्शन हो गया आपका 2D प्लस 3D स्ट्रेट लाइन्स में ला के, ये सारी चीज़ वहाँ पे इन चार पिलर्स पर खड़ा है। ये चार पिलर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको अगर कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। मैथ की बात बता ली, अब हम लोग बात किस पर करेंगे, बात करेंगे अपने GAT पे। GAT के 3 सेक्शन, फिर से मैं वो कह रहा हूँ, वैसे तो 2 सेक्शन में तोड़ा जाता है इसको, पहला इंग्लिश, दूसरा आपका जनरल साइंस। ठीक है, इंग्लिश में आपका 200 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन। जहाँ तक बात करते हैं, काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर वोकैब समझ में नहीं आ रही, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं वो हर किसी की सेम प्रॉब्लम है। कुछ बुक्स होती हैं, रूट वर्ड्स होते हैं, वो आप लोगों ने सही ढंग से ग्रैप कर लो, बैने हो गया, मेल हो गया, ये इस टाइप के वर्ड आ गए, यानी डी क्राई हो गया आपका, आउट क्राई, फार क्राई, इस टाइप के वर्ड ही आपके पास आते रहते हैं, या फिर कोई इडियम एंड फ्रेजेस टाइप का वर्ड आ जाता है कि जो अच्छा सा आ जाता है आपको, आप क्या कीजिए उसके लिए रूट वर्ड्स याद कीजिए, कुछ जो रिसेंटली अगर कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ है उसको लेके न्यूज़पेपर्स में काफ़ी अच्छे वॉकअप्स आते हैं, उनको नोट करो, पर बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉकअप का सेक्शन अगर आप छोड़ भी देते हैं कि 20 में से अगर आप 5 क्वेश्चन भी करते हैं, आपके लिए क्या हो जाएगा कि सर मेरे पास बाकी 30 क्वेश्चन बचे, उस 30 में से आपने कम से कम 25 सही करने पड़ेंगे, वहाँ पे आपने सेक्शन पे जोर देना, स्पॉटिंग द एरर्स, जंबल्ड वर्ड जो आपके होते हैं, अफेलर्स जितने हो गए और PQRS वगैरह ये भी हो गया, उस चीज़ पे आपने फोकस करना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपकी, उसके लिए आपने अपनी ग्रामर सुधारनी पड़ेगी। बुक्स काफ़ी हैं, SP बख्शी है आपके पास इंग्लिश के लिए, स्पेशली लूशन वालों ने भी अपने लिए इंग्लिश अलग से निकाल लगी, देर आर मैनी अदर बुक्स एज वेल एज, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आर्यन की काफ़ी इंग्लिश की बुक्स हैं, ये स्ट्रेटेजी होगी। अब इसके बाद हम लोग सीधा स्किप करते हैं किस पे, साइंस सेक्शन पर। साइंस सेक्शन पे क्या रहता है, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने आते हैं कि डेली फिजिक्स लाइक कि बहुत हार्डकोर नहीं आते आपके। 11th और 12th में जो आपने एग्जांपल के रूप में आप लोगों ने जो जो पढ़े हैं, फॉरगेट मी नॉट में पढ़ रखे हैं, वो सारी चीज़ आते हैं, यानी मेन मेन पॉइंट्स आते हैं, एकदम मेन मेन पॉइंट्स आएंगे आपके लिए।
अब इन सब चीज़ों को अगर मैं छोड़ के बोलूँ तो जो आपका आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रहती है डेली केमिस्ट्री, जो आप फॉर्सम फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला आता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ देता है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछता है, वो बेकिंग सोडा वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ देता है, इस टाइप की चीज़ें उनका क्या रहता है कि भाई वो लोग डेली केमिस्ट्री को मिक्सअप करके वहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं। बायो का आ जाता है, बायो में वाइटामिन्स वगैरह, बायो के लिए क्या रहता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो, इसके लिए एक छोटी सी बुक आती है आपकी अलूशन की, आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर मनोहर पांडे की जो बुक है आप जो 30 रुपीज़ वाली है, आप उसको पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके पास अभी नहीं है तो। 30 रुपीज़ की आएगी, देख लेना, जनरल नॉलेज 2020 करके आएगी, या फिर अभी 2021 की आ गई होगी तो आप उसको ले सकते हैं बिल्कुल। अब साथ में आता है आपका जीएस पार्ट, अब जो लास्ट सेक्शन बचा है वो है आपका जनरल साइंस का, यानी जनरल स्टडीज़ का बोल देते हैं उसको। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन में जो सबसे ऊपर रेंज रखता हूँ मैं हमेशा ज्योग्राफी का रखता हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, एक रेंज रहती है 15, 20, 25, यही रहता है। इंडियन ज्योग्राफी प्लस फिजियोग्राफिकल ज्योग्राफी जो आती है, फिजिकल जो आपकी ज्योग्राफी आती है आपने वहाँ पर ध्यान देना है। अगर फोकस भी आपको पढ़ना है तो आप जी सी लियोंग से पढ़ सकते हो, साथ साथ में माजिद हुसैन के कुछ स्पेशल नोट्स ले सकते हो, वो चीज़ होगी। अब हिस्ट्री में बात कर लेते हैं, हिस्ट्री में आपने मॉडर्न पे ज़्यादा जोर देना है, आपने मॉडर्न जो आपकी मॉडर्न इंडिया जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है इंडियन हिस्ट्री, उस पर फोकस करना है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी आप वहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा, और हम लोग बात कर ले पॉलिटी, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत इज एनफ फॉर यू। थोड़ा सा रिवाइज के लिए कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, इको के एक दो क्वेश्चन ही आते हैं तो जीडीपी, या फिर आपका सम सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, 5 ईयर प्लान, आरआरपी, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, बैंक रेट, ये सारे क्वेश्चन पूछते रहते, तो इनको बस याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। सीए हो गया, करंट अफेयर्स प्लस डिफेंस अफेयर्स, इसके लिए आपने अप टू डेटेड रहना पड़ेगा स्मॉल स्मॉल थिंग्स। दोस्तों ये थी पूरी प्रिपरेशन स्टडी, होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको अगर अच्छा लगा दे ये वीडियो तो उसको शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।